Hello and Assalamu Alaikum, this is Afir Ali Khan and I'm here with another lecture related to QADT and this time we will actually be focusing over the pseudo code of the QADT. So last time we discussed about the Q in the form of a circle and this circular Q had two pointers moving in forward direction but if they are reaching the upper bound which is 6 over here this is upper bound and then that pointer is actually entering the lower bound. So they are not actually in this form, which is linear, and once once the pointer reaches to the upper bound, it cannot go any further. So agaribas Q size Q here, or our pointer upper bound it can go further. So both of the pointers, if they both are adding and queuing and deleting, dequeuing, and they keep doing it, so they can always go in the circular form. And only when the whole Q is full, we will have this overflow message, otherwise, there will be no overflow message. So, let's see how the pseudo code works. Ah, have we have a circular Q ADT global variables. First of all, we have data structure and a single dimensional, which is we we call Q. So, this will be actually the ADT's data structure. We characters character safe as we discussed in the concept and visualization video.

सबसे पहले जो क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल कैरेक्टर्स उनको हम खाली करेंगे और वी विल यूज नल फॉर इट सो फॉर आई इज फ्रॉम जीरोन फ्रॉम लोअर बाउंड से एक पहले ही रुक जाएगा लूप और फिर हम उस जगह पर जहां पर भी हमारा आईथ हाइट्रेशन है हम उसके ऊपर नल

तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ लोअर बाउंड इज जीरो अपर बाउंड इज ऑलवेज लेंथ ऑफ क्यू माइनस वन लेंथ का फंक्शन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है तो जो हमारा अपर बाउंड होता है द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो तो दैट इज ऑलवेज लेंथ क्यू माइनस वन अब हम आते हैं एन में अब आप याद रखें कि ये सर्कुलर क्यू है अगर आपके क्यू का साइज आपको अलाउ करता है तो आप अपर बाउंड पर जाने के बाद अपने पॉइंटर को जिस जो टेल पॉइंटर है जिससे आप एन कर रहे हैं उसको लोअर बाउंड यानी कि जीरो पे लेके जा सकते हैं सो दिस इज अ प्रोसीजर इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू उसका नाम है एन ये डेटा एक एक्सेप्ट कर रहा है जो कि डेटा कैरेक्टर की फॉर्म में है और इसके बाद ये क्या कहलाएगा पैरामीटर अगर क्यू साइज हमारा क्यू लेंथ के बराबर है तो इट मींस इन द क्यू सो वी विल आउटपुट ओवरफ्लो वी कैन नॉट नॉट एनी मोर एलिमेंट्स टू द द क्यू इफ दैट दैट इज केस इट हमारे पास ये गुंजाइश है कि हम टेल पॉइंटर को चेक करें कि क्या वो अपर बाउंड के बराबर है अगर वो अपर बाउंड के बराबर नहीं है तो उसको हम जो है वो लोअर बाउंड पे मूव कर देंगे क्योंकि अगर साइज बड़ा होता तो हमारे पास ये वाला पार्ट चल चुका होता ये साइज बड़ा नहीं है अब हमारे पास क्या है कि हमारा टेल पॉइंटर अगर अपर बाउंड के बराबर है और साइज हमारा छोटा है जब तो हम एल्स वाले पार्ट में तो हम टेल के टेल को लोअर बाउंड के बराबर यानी कि पॉइंटर को हम वापस सर्कुलर मोशन में टूवर्ड द स्टार्ट लेकर जा सकते हैं अगर हमारा टेल पॉइंटर इस वक्त नहीं है अपर बाउंड के ऊपर तो इसका मतलब यह है कि हम टेल को एक आगे बढ़ाएंगे सो वी आर मूविंग द टेल फॉरवर्ड बिफोर एडिंग और एनक्यूइंग न्यू डेटा और अगर वो मूविंग फॉरवर्ड पे पहले हम चेक करेंगे अपर बाउंड पे तो उसको लोअर पे ले जाएंगे और अगर वो अपर बाउंड पे नहीं है तो हम उसको एक आगे ले जाएंगे सो आफ्टर मूविंग द टेल पॉइंटर हम लोग पे टेल पॉइंटर जहां पे भी मूव करके पहुंचा होगा वहां पे डाटा को रख देंगे और क्यू साइज में एक वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे सो क्यू साइज इज इंक्रीज बाय 1 सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग द डाटा इज बीइंग रिसीव्ड फर्स्ट सिस्टम चेक्स इफ द क्यू साइज इज ऑलरेडी इक्वल टू क्यू लेंथ तो वो आपको बोल देगा ओवरफ्लो है अगर ये नहीं है तो फिर हम टेल को देखेंगे कि क्या क्योंकि हम टेल से इनक्यू करते हैं क्या

वो एक फंक्शन होगा बिकॉज वट एवर द वैल्यू दैट इज बिंग डी क्यूड विल बी आउटपुट तो ये हमारे पास रिटर्न क्या कर रहा है कैरेक्टर क्योंकि हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर क्यू का जो है वो कौन सी टाइप है कैरेक्टर डाटा टाइप है अब हमारे पास एक वेरिएबल है डाटा का कैरेक्टर टाइप है हमने उसको शुरू में ही इनिशियलाइज कर दिया आप चाहें तो उसको अलग से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया इसके बाद आपने जो काम वहां पे टेल पॉइंटर के साथ किया था यहाँ पे हम हेड पॉइंटर के साथ चेक करेंगे बट बिफोर दैट हमें देखना होगा कि अगर हम डी क्यू करने आए तो क्या हमारा क्यू साइज जीरो से ग्रेटर है या नहीं है अगर वो जो हमारा क्यू साइज है है वो जीरो इट तो वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन द क्यू सो वी कैन नॉट एक्चुअली डी क्यू एनी ऑफ द एलिमेंट सो फॉर दैट रीजन हम लोग जो है वो अंडर फ्लो का मैसेज कर देंगे इफ क्यू साइज इज नॉट जीरो इट मीनस दैट नाउ वी हैव दिस ऑप्शन टू

ताकि सर्कुलर मोशन अचीव हो सके अगर नहीं है तो उसको बस एक आगे बढ़ा दो नल कर दिया था अगर क्यू साइज जीरो होगा तो इस इफ के स्ट्रक्चर से बाहर आने के बाद नल रिटर्न हो जाएगा अगर क्यू साइज जीरो नहीं होगा ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस पर जो एक्चुअल डाटा हमारे पास डी क्यू है वो डाटा में रिटर्न हो जाएगा दैट इज आव आप डी क्यू को जो है वो अचीव कर सकते हैं अच्छा एक चीज आपको जहन में रखनी है और वो ये है कि आपके पास चाहे कोई सी भी डाटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा uh, टाइप हो तो उसमें आपको जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि बेसिक ऑपरेशन आपके जो सिलेबस में है सिर्फ उनको हम करेंगे जब हम लैंग्वेज में बनाएंगे जब हम लैंग्वेज में काम करते हैं तो हमें जो हमने विजुलाइज किया हम उसको डेटा को वापस देखना भी चाहते हैं तो हम डिस्प्ले बनाते हैं हम मेन्यूज बनाते हैं ताकि हम उस ए को टी को में यूज कर सकें और हम एक दो एडिशनल ऑपरेशंस जरूर बनाते हैं लेकिन जो बेसिक ऑपरेशंस है फॉर क्यू वो सिर्फ एन क्यू और डी क्यू है राइट तो दैट इज वाई आर सूडो कोड इज ओनली लिमिटेड टू एन क्यू एंड डी क्यू अलॉन्ग साइड इनिशिएशन सो दैट्स इट अबाउट क्यू सूडो कोड एंड आई विल बी गिविंग द लिंक ऑफ दिस कोड अंडरनीथ दिस वीडियो सो आई सी यू इन नेक्स्ट विथ क्यू विथ पाइथन थैंक यू